राज जय भोलेनाथ दोस्तों, 3:36 PM, 3:36 हो गई है और अभी 6 मिनट पहले मार्केट बंद हुआ है। 6 मिनट से को 3:36 PM, 5 मार्च फ्राइडे का दिन आज, और अब सीधा मार्केट मंडे को खुलेगा और शायद मेरे ख्याल में आने वाले थर्सडे को छुट्टी भी रह सकती है महाशिवरात्रि की। तो पहले तो हम स्क्रीन डिस्क्लेमर बाबा को देख लेते हैं। उसको देखना अनिवार्य है, मैंडेटरी है, ये मेरे हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बिलो द टाइटल लिखा हुआ रहता है, तो इसको पढ़ना अनिवार्य है। अब आ जाते हैं वेबिनार की डिटेल भी एक बार देख लेते हैं ताकि कोई लेना चाहे तो उसको छूटे नहीं, उसको देख लेते हैं। उसके बाद हम लोग एनालिसिस करेंगे वो भी जम के। तो ये वेबिनार की डिटेल्स आप इसको पढ़ लीजिए, तो समझ में आया तो कॉन्टेक्ट करिए, लेकिन फोन नहीं करिएगा, फोन करोगे ब्लॉक हो जाओगे, खाली व्हाट्सएप कर सकते हो। अब आ जाइए, आज की स्क्रीन रीडिंग पहले कर देते हैं। मैंने चीख चीख के बोल रहा हूँ कंटिन्यू कि मार्केट मंदी नहीं है, जो भी मंदी आती है वो बाइंग अपॉर्चुनिटी, मैं बार बार बोल रहा हूँ। मार्केट इज नॉट रिलक्टेंट टू गो डाउन, इट इज नॉट फाइंडिंग कंफर्टेबल इन गोइंग डाउन, फाइंडिंग इट सेल्फ कंफर्टेबल। तो ये देखिए दोस्तों, अभी कुछ टाइम पहले 861 का लो बनाया था, लेकिन लास्ट ट्रेड क्या हो रहा है आप देखो, लास्ट ट्रेड हो रहा है 983, जबकि आज SGX भी आपको करीब करीब 803 का लो था SGX में। तो चलिए, उसने SGX के बहाने उसको इस लो को बना के भी दिखा दिया और कल की क्लोज को भी हिसाब बराबर करके दिखा दिया, लेकिन फिर भी 861 का लो होते हुए भी लास्ट ट्रेड 120 पॉइंट ऊपर का हो रहा है, लास्ट ट्रेड 120 पॉइंट ऊपर का हो रहा है। दैट मीन्स निफ्टी इज नॉट रेडी टू क्लोज डाउनवर्ड, ये फायर करने वाला है। मैं आपको इतना सा देख के बोल रहा हूँ, मंडे का दिन 150 से 200 पॉइंट मिनिमम तेजी का होगा, 150 से 200 पॉइंट मिनिमम तेजी का निफ्टी के अंदर, मैं निफ्टी की बात कर रहा हूँ, 150 से 200 पॉइंट मिनिमम तेजी का होगा मंडे का, जो भी आज की क्लोजिंग आई, उससे जो भी आएगी, अभी क्लोजिंग आ चुकी होगी, क्लोजिंग आ गई ना, 14,938 की क्लोजिंग आ गई है। कुछ लोग सोच रहे होंगे 962 पे नीचे नहीं बंद हुआ ये 90, सुबह आपने देखा होगा दोनों में कोई प्रीमियम नहीं था। अभी देखिए 938 और यहाँ 983 दिखा रहा, तो इसकी क्लोजिंग ज़्यादा से ज़्यादा 970 आएगी, तो प्रीमियम हो गया, आप समझिए बात को। और क्या खींचा ये अपने आप में, और वैसे भी दो क्लोजिंग तो होने वाली इम्पॉसिबल है, फिर भी मार्केट है। मैंने इसका भी बोला 235 200 के नीचे क्लोज करेगा तो खराब, तो ये भी 228 दिखा दिया। इसका फ्यूचर में देखिए, कैश में दिखा रहा 228 की क्लोजिंग, फ्यूचर में कहाँ चल रहा है 380 लास्ट ट्रेड। समझ में आया आपको किस कदर बाइंग हुई है ये मालूम है आपको? निफ्टी तो तेज है, लेकिन बैंक निफ्टी महा 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 तेज है। क्यों महा तेज है? स्क्रीन के हिसाब से बोल रहा हूँ, अभी चार्ट नहीं देखा हूँ। क्यों? आज का लो है 34,887, लास्ट ट्रेड जो हो रहा है लगभग 500 पॉइंट ऊपर हो रहा है, लगभग 500 पॉइंट ऊपर हो रहा है, प्लस अपनी आज की ATP से भी 100 पॉइंट ऊपर लास्ट ट्रेड कर रहा है। तो बैंक निफ्टी तैयार हो जाइए, 1,000 पॉइंट का मूव मंडे को मिलेगा आपको, 1,000 पॉइंट। लेकिन देखिए, ये सब मैं स्क्रीन से रीड कर रहा हूं, इसका मतलब पागलपंती नहीं करने का, ये मैं बता रहा हूं, ये जो रीडिंग है मेरी वो। लेकिन अभी शनिवार रविवार छुट्टी है, कोई भी ऐसी बैड न्यूज आ जाए उसके ऊपर मेरा कुछ बस नहीं चलता, क्योंकि जब ये तीसरा वाला फैक्टर सेंटिमेंटल काम करता है तब सारे फैक्टर धरे के धरे रह जाते हैं। तो न्यूज अगर कोई गलत नहीं आ जाए तो मुझे 1,000 पॉइंट की तेजी बैंक निफ्टी में मंडे को लग रही है, 800 से 1,000 पॉइंट की तेजी, जिस कदर इसने लास्ट में ट्रेड किया। अब आ जाते हैं चार्ट महाराज के ऊपर।
निफ्टी का चार्ट देख लेते हम लोग। तो ये निफ्टी का चार्ट है, क्या बना दिया आप खुद देख लीजिए। इट इज़ कॉल्ड स्पिनिंग टॉप, डाउनवर्ड ट्रेंड स्पिनिंग टॉप। तो मंडे ये हाई के ऊपर ही खुलेगा मार्केट, चांसेस तो यही है 15,090 के ऊपर खुलेगा, डाउन ट्रेंड में स्पिनिंग टॉप। तो पहली विक्ट्री है ठीक है बुल्स के लिए, जबकि आज जो एसजीएक्स नज़ारा दिखा रहा था वैसा दिखा रहा था कि 600-700 पॉइंट गिरा देगा ठीक है। तो डाउन ट्रेंड में प्लस इसने बीसीएमए के ऊपर क्लोज किया और 10 के थोड़ा सा नीचे क्लोज किया। अब आ जाते हैं इसका ही वीकली चार्ट देख लेते हैं। तो ये तो क्लियर कट है, रिवर्सल का साइन दे रहा है, रिवर्सल यहाँ से तेजी रिज्यूम होने वाली है मंडे को, और ये 15,600 तक जाके ही मानेगी। मैं 500 का दे रहा हूँ टारगेट आपको, लेकिन 15,600 जाएगी ये। अब आया था हम लोग वीकली चार्ट क्यों देखना पड़ेगा, क्योंकि आज एक वीकली क्लोजिंग भी आ गई है निफ्टी में। वीकली क्लोजिंग मतलब फ्राइडे की क्लोजिंग को वीकली क्लोजिंग बोलते हैं। तो वीकली चार्ट में आप देख सकते हो पिछले वीक से काफ़ी ऊपर क्लोज किया है, पिछले वीक के हाई को भी काटा है और पिछले वीक के लो को भी निकाटा है, और वीकली में क्या बनाया इसने, अगर आपको इस पैटर्न के बारे में मालूम है तो ये भी बुलिश हरामी पैटर्न बना दिया है। भले ये डंडी बहुत ऊपर है लेकिन हम बॉडी से बॉडी को देखें तो ठीक है, ये काम हो रहा है। तो बड़ी तेज़ी के लिए तैयार हो जाए, वीकली तेज़ी भी बड़ी होगी मंडे को नेक्स्ट वीक में। तो पिछले वीक का हाई था 15,176, इस वीक का हाई है 15,273, पिछले वीक का लो था 14,467, इस वीक का लो है 14,638, हायर लो एंड हायर हाई वीकली में ठीक है, एंड बेटर क्लोजिंग देन द प्रीवियस वीक। प्रीवियस वीक की क्लोजिंग 529 थी, इस वीक की क्लोजिंग 938 है। तो ये अपने आप में इशारा कर रहा है कि बड़ी तेजी नेक्स्ट वीक होने वाली है। बैंक निफ्टी अगर आज की डेली कैंडल को देखो तो बहुत ज्यादा कन्विंसिंग कैंडल नहीं लगेगी आपको, एक हैमर टाइप का पैटर्न बना लेकिन क्लियर कट हैमर नहीं है, क्योंकि इसकी जो लोअर वीक है वो काफ़ी छोटी है ठीक है। तो भी अब इसमें अगर हमको देखना है कि कहाँ जाके इसको बड़ा सपोर्ट है वो ज़रूरी निकालना पड़ेगा, क्योंकि बैंक निफ्टी बहुत खतरनाक चीज़ है। हालांकि मैं आज की स्क्रीन रीडिंग मुझे क्लियर कट बोल रही कि बड़ी तेज़ी है इसमें। ये लेवल कोई बहुत बड़ा सपोर्ट है 34,800 क्लोजिंग बेसिस के लिए, बहुत बड़ा सपोर्ट है 34,800, और रेजिस्टेंस का काम करेगा इसके लिए 36,950 ऊपर जाते हो एक रेजिस्टेंस का काम करेगा, लेकिन उसको तोड़ेगा ये, और ये 38 जाएगा, 37 भी नहीं जाएगा 38। तो अच्छी तेजी है, मुझे एक्सपेक्टेशन है बैंक निफ्टी में। अब इसकी भी वीकली चार्ट देख लेते हैं, ताकि डेली चार्ट में कोई कन्विंसिंग कैंडल नहीं बनी है मैं आपको ये भी बता सकता हूँ, लेकिन फिर भी रिवर्सल का हल्का हल्का साइन दे रही है। चलिए वीकली क्लोजिंग हुई तो रेड है, लेकिन पिछले वीक से काफ़ी ऊपर क्लोज हुआ, पिछले वीक में 34,803, इस वीक का क्लोजिंग 35,228, और एकदम मिडिल में ये बुलिश हरामी पैटर्न बनाया। तो दोनों ही वीकली में, हालांकि ये रेड में रेड बनाया लेकिन फिर भी ये काम करेगा, मैंने समझाया था पहले भी। तो अच्छी खासी तेजी का सिग्नल दे रहा है मार्केट नेक्स्ट वीक। सो अब कोई न्यूज़ सैटरडे संडे के बीच में या कुछ ऐसी धमाल नहीं मच जाए आज रात को डाउ जोन्स में तो अलग बात है, बाकी
आई एम बुलिश नेक्स्ट वीक, मैं आपको 15,300 के ऊपर तो जरूर दिखा दूंगा अगर सब कुछ सही रहा। और वैसे मेरा 15,500 का जो टारगेट है वो सिर्फ अगले 7 ट्रेडिंग डेज के लिए ही है, 7 से 8 ट्रेडिंग डेज। ट्रेडिंग डेज का मतलब होता है एनी हॉलीडे इज नॉट टेकन इन टू अकाउंट। ट्रेडिंग डे मतलब जिस दिन मार्केट ओपन रहे उसको गिनना है। तो 7 से 8 ट्रेडिंग डेज में मैं 15,525 का टारगेट लेके चल रहा हूँ। लेकिन केयरफुल रहने का, 962 के नीचे अगर एक और मंडे को क्लोजिंग आती है तो फिर बाजी जय श्री राम कर लेने का, हाथ जोड़ लेने का कि गलती हो गई भाई। तो जय जिनेंद्र, जय भोलेनाथ, जय हिंद। यहीं पे वीडियो एंड करता हूँ दोस्तों, और लाइक्स 2-3 हज़ार देना। तो कल इसके बारे में एक डिटेल्ड निफ्टी और बैंक निफ्टी का एक डिटेल्ड वीडियो ऐसा बनाऊंगा कि दिल खुश हो जाए, लेकिन 2-3 हज़ार लाइक्स कम से कम आने चाहिए यार। नहीं, मेहनत इतना सब कुछ बताते हूँ तो आप लोग प्यार करिए यार, कुछ तो मांग तो नहीं रहा कुछ भी, एक लाइक का बटन दबा देना क्या है कुछ भी। सब कुछ लॉजिक यही बात करता हूँ, ऐसा नहीं कि कुछ छुपा के आपसे बात करता हूँ। तो दैट्स इट, लव यू ऑल, सभी के वीकेंड अच्छा जाए और आशा करता हूँ मंडे से तेजी स्टार्ट हो जाए।